वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो आपकी तरफ की बहुत सारे कमेंट्स आए कि चलो ठीक है सर, आपने सैलरी स्ट्रक्चर बताया, अग्निवीर का भी बताया, रेगुलर कैडर का भी बताया, नर्सिंग का भी बताया, सर बता दीजिए क्या क्या कटेगा सैलरी हमारा, कितने हमारे पास में आ गया। देखिए अग्निवीर का तो फिक्स है 29,000 से आपका, सॉरी 30,000 से 9,000 कट जाएगा आपका, 21,000 फिक्स है आएगा। लेकिन आप रेगुलर मान लीजिए, आप अग्निवीर से रेगुलर हो गए तो आपकी सैलरी तो आएगा, तो सैलरी आएगा तो उसमें क्या क्या कटेगा आपको पता होना चाहिए। ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पे स्लिप में देखने के लिए मिल जाएंगे, इनके बारे में बताऊंगा कैसे आपने चेक करना है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और लगता है आगे जाके आपको यूज़फुल वीडियो है, आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ये आपका जो है डेबिट वाला कॉलम है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं कटता है। इसको अगर आपने समझ लिया आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आपका डिडक्ट होता है, कितनी डिडक्ट होता है और कैसे करना है आपको डिडक्ट, किसमें फ़ायदा है डिडक्ट होने में। पहले है ओपनिंग बैलेंस, आप देख सकते हैं पहले एक नंबर कॉलम में जाइए। एक बार है ओपनिंग बैलेंस, ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इस महीना आपको 30,000 आपकी सैलरी बनता है, लेकिन गलती से, सिस्टम की गलती के वजह से या फिर क्लर्क की गलती से वजह से आपको 32, 35, 40, 50, 60 तक सैलरी आपके अकाउंट में डाल दिया गया। वो डाल दिया गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपने उसको यूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेट होगा अगले महीने 25 तारीख को, वहाँ पर पता चल जाता है चार्टर्ड अकाउंट को कि इसकी जो अकाउंट है, इसी इंडिविजुअल के अकाउंट में हमने 25,000 पिछले महीने एक्स्ट्रा डाला था जो उसकी बनता है ही नहीं। तो यहाँ पर वो आ जाएगा, आपको दिखा देगा कि अगले महीने आपका 25,000 कटेगा, रेड कलर में आएगा। जैसे ही ओपनिंग बैलेंस में 25,000 आपका रेड कलर में आएगा तो समझ जाना अगले महीने मेरा अकाउंट से 25,000 रुपया कट जाएगा। तो जैसे ही अगले महीने आपकी सैलरी बनता है मान लीजिए 50,000, तो यहाँ पर 25,000 पहले ही काट लेंगे और 25,000 के बाद ये सारी चीज़ें आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, समझ गए ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं वहाँ पर एपी फंड सब्सक्रिप्शन। एपी फंड सब्सक्रिप्शन होता है कि आप एक फंड रखते हैं, जैसे आपने FD करवाते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप कोई स्कीम लेते हो, जैसे इंडियन आर्मी में भी एक एपी फंड है। यहाँ पर ये 1,700 रुपया कंपलसरी आपके अकाउंट से कटता है जब तक आप सर्विस करोगे, जिस दिन आप पेंशन जाओगे आपके पैसे दे देंगे। तो 1,700 रुपया तो मिनिमम कटता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बंदे ने कितना 10,000 रुपया कटा के रखा है। इसने क्यों कटा के रखा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर इसने क्या किया, हमारा जो इनकम टैक्स हम भरते हैं, हमारा अगर टैक्स लाभ के अंदर आता है तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है अगर आप 1,50,000 1,50,000 रुपया आप सेव करते हो थ्रू एपी फंड, APFPP फंड सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1,50,000 तक सेव कर सकते हो, ठीक है, आप सेव कितने भी कर सकते हो, आप 1,00,000 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको पेमेंट के अंदर ही आपको सेव करना है, ठीक है, तो सेव तो आप कितने भी कर सकते हो। अगर आप 1,50,000 तक हम आपको छूट दे देंगे, मतलब 1,50,000 जो सेविंग होगा उसमें हम कोई भी टैक्स नहीं करेंगे, और जो आपकी पेमेंट बनेगा मान लीजिए 5,00,000 आपकी पूरे सालाना पेमेंट बन रहा है तो 1,50,000 रुपये हम काट लेंगे। तो 3,50,000 के ऊपर टैक्स हम जितना भी लगेगा या नहीं लगेगा वो डिसाइड करेंगे, एग्जैक्टली नहीं लगता है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये आपकी है, ये सबसे बढ़िया है, आप जितना कटा सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था इसका 8.5-9% था, अभी ये कम करके 7 के आसपास अभी इंटरेस्ट है, लेकिन अच्छा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये अकाउंट में आने से पहले ही आपका अकाउंट में, जैसे एक तरह को क्रेडिट होता है ना, उससे पहले ही काट लेता है तो आपको पता नहीं चलता है। तो जब भी आप कोशिश करना रेगुलर बन जाओ अग्निवीर से, या फिर आप रेगुलर कैडर में हो, एपी फंड आप पहले से स्टार्टिंग महीने से कटवाना शुरू करिए। बाद में आपको लगता है ये चीज़ें बहुत आपको बेनिफिट्स देगा, मेरे बात मान के, बाकी आपके ऊपर आपकी पैसा है, बिल्कुल आपकी चॉइस है, इसमें किसी की भी हक नहीं है, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। उसके बाद एपी फंड रिफंड, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी महीने में मान लीजिए आप 10,000 आपने उसमें इकट्ठा कर रहे हो, आपने 5 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़ा, 5,00,000 रुपया ज़रूरत पड़ा, आपके भाई की शादी था, आपकी शादी था, कोई भी काम के लिए आपको 5,00,000 रुपया ज़रूरत पड़ा, ठीक है, और आपकी जो एपी फंड कट कट के ये 7,00,000 हो चुका है तो यहाँ पर क्या है रूल नंबर एक कि आपका जितना भी अमाउंट है, यानी 7,00,000 का आप पूरा अमाउंट आप निकाल नहीं सकते, ओनली 75 to 80% आप निकाल सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर सर्विस लोगों को बोला जाता है सिर्फ 75% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, नहीं आप 80% तक भी निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इतने अमाउंट आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर बाकी जो 20% कब मिलेगा, वो मिलेगा आपको जो पेंशन जाने के टाइम ना, वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, उसके इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको इमरजेंसी आया या कोई भी खर्चा करना है, आपकी शादीशुदा है, तो एपी फंड रिफंड में आपको दिखा देगा कि इस महीना आपका 5,00,000 रुपया यहाँ पर काटा है, और नीचे भी आपको दिखाएगा माइनस कर देगा जो आप एपी फंड का जो कैलकुलेट होता है नीचे,
कितना कितना जमा हो गया सारी चीज़ें वहाँ पर, ये माइनस करके आपको बाकी जितना बच गया वो रख लेगा, ठीक है। उसके बाद AGIF, ये एक इंश्योरेंस होता है, जैसे आपकी LIC पॉलिसी होता है, PLI भी हम लोग करते हैं सेना में, तो AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पर ये 5,000 आपको कंपलसरी है, ना ज़्यादा ना कम, अगर आप OR है 5,000, अगर आप ऑफिसर है 10,000। इसकी बेनिफिट्स ये हैं, जैसे आप जितने भी साल सर्विस करते हो वहाँ पर अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई भी एक्सीडेंटल हो गया और आप डेथ हो गए, आप शहीद हो गए, तो आपके घर वालों को 50 लाख रुपया इसका मिलेगा, ओनली AGIF का। बाकी का तो और एडिशनल मिलता है, करीब करीब 70-80-90 लाख, 1 करोड़ के आसपास मिलता है बाकी अलाउंसेस मिलके, लेकिन यहाँ पर आपको AGIF 50 लाख का है। बहुत लोग बोलेंगे आपको 75 लाख है, बिल्कुल गलत है, 50 लाख है, पहले 25 था अब 50 है, ठीक है। 50 लाख रुपया आपके घर वालों को मिलेगा, समझ गए। आप बोलोगे सर ठीक है, मैं तो 15 साल सर्विस किया, 16 साल और घर वापस आ गया, जो 5,000 जमा किया इंश्योरेंस में वो चला जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको कुछ अमाउंट और डालेगा आपके अमाउंट में, तकरीबन आपको 15 साल में ये 10-12 लाख रुपया आपको वापस कर देंगे, ठीक है। चलो AGIF समझ गए, आप चलते हैं PLI। यहाँ पर देखिए, पहला जो है EpiFund सब्सक्रिप्शन, ये आपकी मर्जी है, AGIF आपकी मर्जी नहीं है, वो 5,000 कटेगा। अब आता है PLI। PLI मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है AGIF को छोड़ के, उसके नीचे अगर आता है कोई, वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस होता है और साथ में आपको बेनिफिट्स भी देता है, ठीक है। तो इन्होंने जिनकी भी ये स्लिप है, मैंने उनसे बात किया, तो इनकी जो प्रीमियम है देखिए 1661 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया है 25 साल के लिए, ये टोटल जमा करेंगे 4,70,000 रुपये। इनका एक्चुअली 1500 कुछ है 75, लेकिन ये GST वगैरह लग के 1611 रुपया, तो ये कितना 25 साल जमा करेंगे 4,70,000 और इनको मिलेगा 13 लाख रुपया, ठीक है। अगर ये 25 साल इसको होल्ड करते, करना ही पड़ेगा यहाँ पर, और ये 4,70,000 टोटल देंगे इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट उनको 13 लाख वापस करेगा 25 साल के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ है, इसकी और भी फायदा है, सिर्फ ये एक प्रीमियम भरने की चीज़ें नहीं है। जैसे ही इनकी कुछ भी डेथ होता है या फिर शहीद होते हैं, बैटल कैजुअलिटी होता है, तो इनको उसके ऊपर 50 लाख रुपया मिलेगा, क्लेम भी मिलेगा, कितना 50 लाख रुपया इनको क्लेम मिलेगा। तो ये 50 लाख और ये 50 लाख यहाँ हो गया, उनकी 1 करोड़ का सेविंग हो गया जो कि उनके घर वालों को मिलेगा। हम एक फौजी है, फौजी होने के नाते हम किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड है, किसी की भाई है, किसी के लिए दोस्त है, तो हम घर परिवार के लिए बहुत इमोशनल रहते हैं, तो हमें घर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चले जाएंगे उसके बाद घर में अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करके जाते हैं तो बहुत बुरा फंसता है, क्योंकि हमारे घर वाले ही इसके इफ़ेक्ट होते हैं, बाकी कोई नहीं आता। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपके घर में कोई नहीं आता, जिसके पास पैसा है उसको सब सलाम ठोकते हैं। इसलिए जब भी आप सर्विस कर रहे, चाहे अग्रीवी हो चाहे आप रेगुलर कैडेट हो, एक भाई के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके घर को सेफ रखिए। एक AGIF और एक PLI, छोटा से छोटा देखो 1611 रुपये में आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये प्रीमियम आपका कट जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15 साल का प्रीमियम लीजिए, कुछ 2-2.5 हज़ार का, 15 साल के बाद आपका खुदा ना खास्ता आपका कुछ हो तो आपको घर वालों को क्लेम मिले, नहीं हो तो आप अपने पैसा वापस लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्या लॉस है बताओ। चलो समझ गए PLI। उसके बाद लोन एंड एडवांस, जैसे आप फौज में बहुत तरीके से लोन होता है, जैसे आप कंप्यूटर लोन ले सकते हैं, बाइक खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, कार खरीदने के लिए लोन सकता है, घर खरीदने के लिए AGIF लोन ले सकता है, होम लोन। इसके बारे में ना अगर आपको वीडियो चाहिए, सर हम कैसे लोन ले सकते हैं, अग्निवीर है या फिर रेगुलर कैडर है कैसे ले सकते हैं, हम नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप कोई लोन लेते हैं ना फौज से, तो यहाँ पर वो दिखाता है कि यहाँ पर कि मैंने फौज से लोन लिया है, कितना रुपया वो कट रहा है वो महिला, जैसे ये बंदे ने शायद लिया नहीं है तो इसकी दिखा नहीं रहा है, तो इन्होंने कोई फौज से लोन नहीं लिया, आप ले सकते हो। लेने का फ़ायदा ये रहता है कि सिविल का जैसे 10% इंटरेस्ट चला ना फौज में, आपको 8-6% में मिल जाता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता देना मुझे, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, 2200 बंदे अब ज्वाइन कर चुके हैं। वीडियो को एक लाइक कर दिया अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए उसके बाद है FAMO, फैमिली मेंटेनेंस अलाउंस, ये होता है परिवार आवेदन जो धनादेश, जैसे आप और मैं जितने पति पत्नी है, हमारे बीच में डिवोर्स का वो सीन चल रहा है, हमारे बीच में सही नहीं चल रहा, आपने पत्नी ने आपको मेंटेनेंस अलाउंस आपको डिमांड किया है। मेंटेनेंस अलाउंस एक्चुअली होता क्या है, ये चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आपको बताऊंगा डिवोर्स कैसे ले सकते हैं या पति पत्नी के बीच में, वो सारी चीज़ें आपको एक डिटेल वीडियो में कवर कर रहा हूं, जिसकी शूट अभी चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा। यहां पर अगर आप फैमिली, आपकी पत्नी मेंटेनेंस अलाउंस ले रही है, यहां पर वो आपको दिखाएगा कि आपकी
15,000 या 20,000 जो भी जा रहे हैं उनके पास, कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। जैसे इनका कोई ऐसा केस नहीं है तो इनका खाली है। उसके बाद एक्विटेंस रूल्स, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाओ ई टिकटिंग रूल। ठीक है, ई टिकटिंग रूल होता है जैसे मान लीजिए आप फौज में है, तो आपको अगर आप पीस एरिया में नौकरी करते हैं, मतलब जहाँ पर डेंजर नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट आपको बोलता है एक बार जाना एक बार आना फ्री है आपके लिए, किसी ट्रेन में भी जाओ। फिर अगर जैसा फील्ड एरिया या फिर सी आई एफ काउंटर इंटेलिजेंसी पे सर्व कर रहे हो लाइक कश्मीर एंड ऑल, तो आपको गवर्नमेंट बोलता है दो बार जाओ दो बार आओ आपके लिए फ्री है, समझ गए। लेकिन उसके बाद आप कोई कोई फौज तीन बार भी जाता है चार बार भी जाता है, तो वहाँ पर क्या आपको मिलता है सी बी वारंट, जिसमें आपको 60% पैसा आपको देना होता है इंडियन रेलवेज़ को और 40% गवर्नमेंट आपके माफ़ कर देता है। जो पैसा आपके कटता है ना जिस मंथली आप टिकट बुक करते हो, तो ई टिकटिंग में वो टिकट दिखाएगा आपको। जैसे इन्होंने कुछ बुक नहीं किया जब आप घर जाओगे, अगर फ्री वारंट्स आपने किया फ्री से तो कोई मतलब नहीं है। जैसे दो बार से ज़्यादा जा रहे हो या एक बार से ज़्यादा जा रहे हो पीस एरिया में, तो यहाँ पर दिखा देगा भाई आपका जो टिकट था ना, जैसे आपने खुद ने किया था यहाँ पर टिकट बनवाया था 5,000 रुपये, यहाँ पर वो काट लेगा अगले महीना। ठीक है, आपको वहीं पर जो फौज की सिस्टम होता है डिफेंस ट्रैवल सिस्टम DTS बोलते हैं, वहाँ पर से आपका टिकट बुक हो जाएगा, आपकी पे स्लिप से पैसा काट लेगा। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स ऑब्लिक EC, इनकम टैक्स ऑब्लिक EC मतलब आपकी जो पैसे के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा हर महीना। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर 399 इनकी बन रहा है इस महीने का, अगले महीना हो सकता है डिफर हो सकता है। कैलकुलेट कैसा होता है वो एक एज्यूम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि इस बंदे का इस जैसे इस महीने के अंदर इतनी सैलरी बन रहा है और इतनी एक्स्ट्रा बन रहा है इसकी, तो उस एक्स्ट्रा के ऊपर आपका टैक्स लगाता है। लेकिन ये टैक्स ये नहीं सोचना कि हम दे रहे हैं, बाद में आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं कि मेरा ये जो पैसा था अंडर टैक्स है, ये टैक्स में नहीं आएगा, तो मेरा पैसा वापस करिए, और वापस आ जाता है। उसकी वीडियो हमने बनाया था कि फॉर्म 16 वर्सेस जो VU 26S एक नया फॉर्म आया है, अगर आपको 26S जानना है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपके वीडियो बना दूंगा सभी फौजी भाई के लिए। वहाँ पर 26S का ये फ़ायदा है कि आपको हर मंथली दिखाएगा कितना आपका बन रहा है, कितना कटा है अभी तक, कितना कटा है, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, 26S बहुत अच्छा फॉर्म है, मैं यूज़ करता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैसा काटा है ऐसा नहीं है कि आपका गवर्नमेंट काट लेगा, अभी काट रहा है। जैसे मार्च में आपकी फॉर्म 16 या फिर 26S आपके आ जाएगा, फिर आप क्लेम कर सकते हो, पूरे पैसा वापस आ जाएगा अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हो तो। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड रिलीज़, यहाँ पर ये कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें होता है कि जैसे कोई पैसा आपका बाकी था, बहुत दिनों से बाकी था, मान लीजिए कोई एक पार्ट टू ऑर्डर रुका हुआ था वो नहीं हो रहा था, 2-3 साल रुक के रहा, और बहुत दिन के बाद आपका वो पैसा आया जैसे 5 लाख रुपया, यहाँ पर वो दिखाएगा क्रेडिट कार्ड बैलेंस रिलीज 5 लाख। यहाँ पर ये रेयर केस में होता है जब आपके पैसा बिल्कुल रह जाता है और लास्ट में आता है या फिर 2-4 साल के बाद आता है, यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद ये आ जाओ कॉलम में अमाउंट क्रेडिट टू बैंक, यहाँ पर होता है कि क्रेडिट कितना हुआ बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जितने आपकी सैलरी बन रहा था उससे 10,000 उसकी एपीफंड कट गया, 5,000 उसकी AGI कट गया, 1,600 का वो PLI स्कीम लेके रखा है, और 4,000 को उसका इनकम टैक्स कट गया, और उसके बाद उसकी अमाउंट को हमने दिया कितना 65,254, यानी इसकी सैलरी बन रहा था 85,864, इसमें से ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया। यहाँ पर 5,000 फिक्स है, यहाँ पर ये आप 10,000 से 15,000 भी कटा सकते हो। ठीक है, PLI भी बहुत ज़्यादा कटा सकते हो, इसका कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका, आ जाओ यहाँ पर लिखा है R/Pay and Allowances। ठीक है, तो यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस में यहाँ पर कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ है बस अलाउंसेस वगैरह दिखाता है, कभी डेबिट होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको ये कब दिखाता है, आप मान लीजिए कश्मीर में पोस्टेड थे, वहाँ पर आता है R1H1 एरिया में, यहाँ पर आपका क्या हार्ड एरिया में रहते हो आप काउंटर इंटरेस्ट पे, यहाँ पर अलाउंस दे रहा था। जैसे आपकी पोस्टिंग हो गया दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो गया, तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा था। तो यहाँ पर जैसे आप पोस्टिंग हो जाओगे ना, उस महीना बंद नहीं हो जाएगा, 2-3 महीना और आ जाता है, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा फौज है हमारे पास, तो 2-3 महीना आपका अलाउंस ये आता एक्स्ट्रा अलाउंसेस वो आता रहेगा। जब वो फिर कैलकुलेट करेगा, हाँ 3 महीना इसने एक्स्ट्रा अलाउंसेस लिया है कश्मीर का जो उसका नहीं बनता क्योंकि वो दिल्ली पोस्टिंग आ चुका है, तो यहाँ पर वो आपका पैसा काट लेगा R/Pay and Allowances, यहाँ पर 3 महीने का 60,000 रुपया काट लेगा, तो काटने के बाद आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद अदर एडजस्टमेंट में क्या है, अदर एडजस्टमेंट जैसे इन सब को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ें आपका एक्स्ट्रा कुछ कटा है ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी अगर कुछ इसने एडजस्ट किया है
जैसे आपको एक्स्ट्रा दिया था उसको एडजस्ट करके कम किया है, तो यहाँ पर वो कॉलम दिखा देगा। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा टोटल डेबिट कितना हो गया आपका, मतलब ये टोटल सैलरी आपका 85864, इनमें से ये सारे चीज़ें कट गया, बैंक में कितना आया आपका 64254। आई होप इस वीडियो में आपको पूरे नॉलेज मिला है कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फौजी भाइयों के साथ, अपने अग्निवीर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे, ताकि उनको पता चले उनकी पे स्लिप में क्या एक्स्ट्रा कट रहा है, या फिर ऐसा कोई चीज़ तो नहीं तो जानबूझ के ज़्यादा काट रहा है, ताकि वो क्लेम कर सकें। अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना, वीडियो को एक लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।